हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सानू अली बरकत अली बहादुर नवाबी चंद्रगुप्त तोपची खानों में खान तीस मार खान भारी चोट वाले, स्वागत है आपका हमारी अंडोपो न्यूज में। आपका विधायक जी का लड़का हुआ किडनैप, ढूंढने वाले को मिलेंगे 5,99,999 रुपए और एक जोड़ी कंपनी के कपड़े, जहां से आपका मन करे पीटर इंग्लैंड, मुफ्ती, लिवाइस, यूएस पोलो, बी वुमेन और 1 किलो दूध वाली बर्फी। अबे सानू भाई इधर को आ जाओ, बिरयानी बट रही है। अबे भैया रुक जा रहा हूं। आफ्ताब विधायक जी का लड़का किडनैप हो गया है और उन्होंने ये केस पुलिस को ना देकर हमें सौंपा है और हमारे पास यही आखिरी मौका है अपनी कंपनी को सातवें आसमान पहुंचाने का। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में इस वक्त कोई ऐसा जासूस नहीं है जो ये काम कर सके। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उन तीनों को कॉल करें। वो तीन? उन तीनों को हम अपनी कंपनी में कभी नहीं बुलाएंगे, साले बकचोद एक नंबर के। सर ये तो मैं जानता हूँ कि वो बकचोद है, लेकिन उनके अलावा ये काम कोई और कर भी तो नहीं सकता। चलो करो उन तीनों कॉल और बुलाओ। काली निपट गया काम? हाँ बस हो ही चुका। चलिए बाद में कर लिए, पहले रोटी खाएंगे। दिलसाद भाई नया मोबाइल का डिब्बा आया, एक काम करें इसे अपने पास रख लें और पुराना डाल दें इसमें। हाँ सही कह रही, डाल दे और ये अपनी तरफ रख ले। अल्ताफ सर का फोन ऑफिस से, ये हमें फोन क्यों कर रहा है? अल्ताफ सर का फोन आ रहा है ऑफिस से। अब उठा उठा जल्दी। हेलो जी सर, कंपनी वापस आ जाओ, तुम तीनों के लिए बहुत बढ़िया काम आया है, उसके तुम्हें 5,00,000 रुपए मिलेंगे। निकल जाओ सालो, रात के बाद मेरी कंपनी में कदम मत रख देना। सर भूल गए क्या वो दिन जिस दिन तुमने मेरी पे लात मार के कंपनी से भगाया था? आज भी दर्द होता मेरे दाए वाले चुतड़ में और तुम कह रहे हो कंपनी वापस आ जाए? देख लो 10,00,000 रुपए मिल जाएंगे। सर हम पैसों के लालची नहीं है, तुमने एक बार उस कंपनी में से हमें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, अब हम उस कंपनी में कभी भी वापसी नहीं आएंगे। 12,00,000 रुपए मिल जाएंगे और ये 12,00,000 रुपए बहुत मोटा अमाउंट होता। सर पैसों का लालची मत समझना, ये काम तुम्हारा हम 15,00,000 में भी नहीं करेंगे। लास्ट ऑफर 20,00,000 रुपए। क्या 20,00,000? अबे गेट क्यों ना खोल ले ऑफिस का, आधे घंटे तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हैं यार। जाइए गेट खोलिए जरा। साली ने दिख करके रख दिया यार। अबे क्या हुआ सागर भाई, गाड़ी पे कैसे लाते मार रहा हो? अबे यार इसे कहीं भी लेकर जाऊं साली बंद हो जाती है। अबे तो सागर भाई इसे बेच कर दूसरी गाड़ी ले लो। अबे यार कहाँ से लूँ दूसरी गाड़ी, पैसे ना मेरे पास। अबे यार साकिर भाई कैसी टेंशन ले रहा हो, दोस्ती किस काम में आ गई? मेरे पास एक बहुत शानदार वाली ट्रिक। ट्रिक? अबे क्या ट्रिक है बताओ यार। साकिर भाई खिलाड़ी अड्डा ऐप पर चल रहा है ऑफर, जहाँ पर तुम लूडो खेलकर रॉयल एनफील्ड, KTM, पल्सर जैसी बाइक के साथ साथ आईफोन भी जीत सकते हो। खिलाड़ी अड्डा ऐप, ये तो यार मुझे बहुत सही चीज लग रही है, लेकिन इसे मैं डाउनलोड कहाँ से करूँ? भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो खिलाड़ी अड्डा ऐप और खेलो रमी, लूडो, कॉल ब्रेक जैसे गेम। और यहाँ पर आपको 100% GST एंड TDS रिफंड, इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलता है। अबे यार ये तो बहुत बढ़िया ऐप बताया तुमने, अभी डाउनलोड करता हूँ। तो दोस्तों आप भी डाउनलोड करो खिलाड़ी अड्डा ऐप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। बे गाड़ी तो ले जाओ अपनी सागर भाई। आगे भी तीनों, काम तुम्हारे लिए ये है, आफ्ताब विधायक जी का लड़का किडनैप हो गया है और इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है और इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करो। सर तुम टेंशन मत लो, इस केस को हम यूं रफा दफा कर देंगे, मगर हमारी कुछ डिमांड है, पहले वो सुनो। क्या डिमांड है तुम्हारी? ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, काले शीशे और विद एलॉय व्हील, सफेद कलर के और गाड़ी का नंबर 0001। तो बता मैं अपनी डिमांड। सर मेरी डिमांड
मुझे 3 टाइम चिकन टिक्का चाहिए और 2 गोल्ड फ्लैग की डिब्बी। अब तू बता भाई अपनी डिमांड। मेरी कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, मुझे तो बस एक जोड़ी जर्सी दिलवा दी और जाड़े आ रहे हैं। अबे भौफी के, तेरे बाप ने कभी चलाई है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो? जाओ जल्दी जाके केस को देख लो। और हाँ, जरा सी भी बकचोदी नहीं चाहिए इस केस में। अरे सर, पैसे ना आए अभी अकाउंट में? अबे हाँ, चल डाल लिया हूँ। यार कितना स्मार्ट है विधायक जी का लड़का, बचपने में मैं भी इतना स्मार्ट था। और क्या बोलो हो, अबे बचपन में तेरा फोटो देख लो या सुअर का फोटो देख लो, उसमें से ये तो पता चलता ना कि सुअर कौन सा और तेरा फोटो कौन सा। हाँ हमने देखा तेरा बचपन, अभी खूब नालियों में से एक एक के दो दो के नोट निकाल के ना तूने चिम्मक से खूब चीजें खाई है। अबे चुप जाओ यार, क्यों बकचोदी कर रहे हो? वैसे बचपन में थे तो तुम छूतिया ही दोनों के दोनों। हाँ तेरा बचपन अभी देखा हमने, साले तेरी चैन में मुल्लो भज्जा करी ना तो पूरे मोहल्ले में चीखता फिर आई बेचाले आई बेचाले आई बेचाले। हमें समझा रही है? सर आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और आपने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। भाई हमने आपका पूरा मेन्यू देख लिया, हमें इसमें कुछ पसंद नहीं आया। मेन्यू में कुछ पसंद ना आया? वैसे आप क्या लेंगे? रशियन की लंगे दिलवा दो तीनों को। आइडिया दिलसाद भाई, बताओ क्या आइडिया है? अबे बताओ यार जल्दी से, यार भूख लग रही है, पहले कुछ खाने चल रहा है। अबे यार ये तुम्हारी बकचोदी खत्म ना होती यार, तुमसे यार रेस्टोरेंट में तो खिलवाए ना गया, अब खिलवाओगे तुम? अबे यार बहुत तेज की भूख लग रही है। दिलसाद भाई मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। नहीं भूरा, दाल में कुछ सफेद है। अबे वैसे दाल कौन सी है? उड़द की धोबा। अबे ओ बकचोदी बंद, मुझे लग रही है आप पुलिस वाले खतरे में हैं। आओ इन पुलिस वालों की मदद करने चलते हैं। अबे काली, ये दरोगा साहब इधर को क्यों भाग गए? आओ दरोगा साहब का पीछा करते हैं। चल साहब, साहब मेरी कोई गलती ना, मुझसे इन नकाई का नकली वर्दी पहन के लोगों को लुटेंगे, साहब मेरी कोई गलती ना। बैठ सालो, तुम्हें पता नहीं है इस एरिया का कितना काबिल दरोगा हूँ मैं? दरोगा? अबे दिलसाद भाई तुम कब दरोगा बन गए? बहुत अच्छा है हमारे दरोगा साहब यूं ही पहचान लेते हैं कौन चोर है कौन पुलिस वाला, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। दुकान जी इनसे सामान लो जो जो इन्होंने लूटा लोगों से, और आओ थाने। अबे सामान निकालो सालो। लाओ भी लाओ, क्या माल मिलाओ उन पुलिस वालों के पास जिन्हें हमने लूटा था। तो दिलसाद भाई पैसे मिले, और दिलसाद भाई ये 4 मोबाइल मिले। मेरी जान हो गया काम। चलो भाई अब जल्दी से बंटवारा कर लो पैसों का भी और मोबाइलों का भी। ये बात बुरा तो सही कह रही, जल्दी से बंटवारा कर लो भाई अब। हाँ लो, ये 10,000 तेरे, ये 10,000 तेरे, ये 10,000 मेरे, एक मोबाइल तेरा और एक मोबाइल मेरा। अभी दिलसाद भाई ये वाला मोबाइल तुमने क्यों रखा है? अबे मैं ना रखूंगा तो और कौन रखेगा, ये सब मेरी तो चलाकी थी जो हमने उसे लूटा। ओहो चलाकी, देख रहे हो भाई काली भाई इनकी चलाकी थी। अभी रुको दिलसाद भाई, अभी घुसता हूँ तुम्हारी चलाई कटने के कड़ में, 5 मिनट रुको तुम जरा। अबे काली कहाँ को गया है बुरा? लाओ भाई लाओ दिलसाद भाई, जरा मोबाइल निकालियो, कहाँ है वो? जल्दी निकालो यार, ये दुकान वाले को भी देखा आनी है यारा। ले भूरा।
अबे काली, ये भूरा बावला हो गया क्या? मुझे भी ऐसी लग रही है, बावला हो गया दिखा आज। अब यार इसकी टेंशन लो। लो भाई लो, काली भाई एक तुम्हारा, लो भाई दिलसाद भाई एक तुम्हारा, और एक ये मेरा। देखो अब हुआ ईमानदारी वाला बंटवारा। वाके यार भूरा यार, तूने चलाकी मेरी कट रही है, मैं भूत थी। अब एक काम कर, ये अपनी में घुस ले बेटे भूरा, ये भी घुस ले अपनी। सर का फोन, उठा उठा। हाँ सर, कहाँ तक पहुँचे केस में? सर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमें 1 किलो मिला है, बहुत जल्दी विधायक जी का बेटा उनके पास पहुँच जाएगा बिल्कुल सही सलामत। गुड, विधायक जी तुमसे मीटिंग करने के लिए कह रहे हैं और उनकी फार्म हाउस की लोकेशन मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी है, जाओ और उनसे जाके मीटिंग करो। ओके सर। ए, चलो विधायक जी के घर, उनसे मीटिंग करनी है। अबे ओ, तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो, विधायक जी के यहाँ गुजारा है और विधायक जी एक नंबर के अमीर आदमी है, और तुम्हें पता ही है अमीरों के यहाँ नाश्ते कितने बेहतरीन कराते हैं, काजू बादाम पिस्ता जना क्या क्या अड्रम सड्रम, ऐसा ना हो काजू बादाम देख कर जेबों में भरना शुरू कर दो। लो भाई भूरा भाई, समझा भी कौन रिया, जो इस काम में खुद एक नंबर का माहिर हो। अबे हाँ, तुम दोनों ऐसे ही हो, ध्यान रखियो अपना वहाँ पे। अरे एलिफेंट के पिछड़े, समझा कैसे रिया हमें, साले तेरे चक्कर में कितनी बार पिटे हम नाश्तों में। अबे देखियो यही है क्या विधायक जी का फार्म हाउस? अब हाँ भूरा, मुझे यही लग रहा, चलो। आपका विधायक जी का फार्म हाउस यही है? हाँ हाँ यही है। अबे वो अंदर कहाँ बैठ गया है? अबे यार भाई साहब, हमारी मीटिंग है विधायक जी के साथ, उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा विधायक साहब ने बुलाया है, लाओ कार्ड दिखाओ। काली कार्ड दिखाओ, अबे कौन सा कार्ड है भाई भूरा? अबे रुको मेरे पास है कार्ड, मैं दिखा रही हूँ। लो भाई लो। सालो तुमसे मेमोरी कार्ड मांग रही हूँ, मैं एंट्री कार्ड मांग रही हूँ, विक्रम माधव चौधरी यहाँ से। ओ काली भाई, ये वाला एंट्री कार्ड मांग रही है, वही वाला। अच्छा वही वाला एंट्री कार्ड। भूरा भाई दे दे मेरी से एंट्री कार्ड, दे दो जब मांग रिया तो। चलो पकड़ो फोन, तुम ये पकड़ो, तेरी बहन का एंट्री कार्ड मारू। अस्सलाम वालेकुम विधायक जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? विधायक जी हम वही हैं जो आपके लड़के का केस देख रहे हैं। अच्छा तुम वो तीनों, आज मेरे बेटे को गायब हुए पूरे 3 दिन हो गए, तुम मेरा बेटा जल्द से जल्द ढूंढ दो, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अबे काली, अबे भूरा, विधायक जी तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, मुझे लग रहा हमारे सन ने इस केस में बहुत मोटी दलाली मारी है और हमें जड़ सारा पैसा दिया। क्या कुछ तरफ कर रहा हो ये? कुछ ना विधायक जी, कुछ ना, बिल्ली थी बिल्ली। और विधायक जी तुम टेंशन मत लो इस काम की, समझ लो तुम्हारा काम यूं हो गया यूं, हमारे काम के अखबारों तक में चर्चे होते हैं। अच्छा दिखाइए कौन सा अखबार में तेरे चर्चे। अरे विधायक जी वो अखबार तो आना बंद हो गया, वो कंपनी को बहुत तगड़ा लॉस हो गया तो वो देश छोड़ के भाग गई। कंपनी भाग गई? ऐसी कौन सी कंपनी थी जो भाग गई, नाम बताइए उसका। आओ फिर विधायक जी, पहले कंपनी का नाम पता करके हमें, तुम्हारे बेटे का केस तो बाद में देख लेंगे। आओ भाई आओ। अरे ना बेटे, कंपनी वंपनी को एक तरफ को रख, मेरा बेटा ढूंढ कर ला दो जल्दी। अरे विधायक जी, अरे ना नाश्ता ना, अरे पेट भरा हुआ हमारा तीनों का। अरे ना, अरे नहीं यार नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। रुको 5 मिनट रुको, अभी भेजता हूँ इसे। काली भूरा मेरी जान लग रही है, विधायक जी नाश्ता भेजेंगे अंदर से, काजू आंगे बादाम आंगे पिस्ता आगा, मेरी जान मजा आ जाएगा। अबे वो फ्राई आई ना तो भैया मैं खाऊंगा सारी। यार एक बोटी दे दियो काली, थोड़ी सी बस। अबे यार मुझे थोड़े से काजू जेब में रख दिए। हाँ रख लिए रख लिए। ए ये पकड़ो खाओ और जाओ। अबे यार कितना कंजूस विधायक था साला, मैं तो सोच रहा एक नंबर का नाश्ता करवागा काजू बादाम, ये दे दिए साले केले। ले भूरा इसे भी खा ले। ले भूरा ये भी खा लिए, और साले खाई लिए कुछ मोटा हो जाएगा। यार काली विधायक जी के लड़के के केस में अभी हमें एक भी सबूत ना मिला, क्या करें? इरशाद भाई एक काम करते हैं, 2-4 जगह पूछते हैं लोगों से। ठीक कह रही काली तू बिल्कुल, चलो।
अरे भैया जी भाई, आप इस लड़के को जानते हो क्या? हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, ये लड़का किडनैप हो गया है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले इस लड़के की तो ये मेरा कार्ड है, आप इस नंबर पर कॉल कर देना। ओके भैया। ओए इधर आ। जी भाई। किसको ढूंढ रहे हो? भाई ये लड़का किडनैप हो गया है, क्या आप जानते हो इसको? ए, क्या लगता है तेरा, क्यों ढूंढ रहा है इसको? अबे यार भाई साहब, बैठ के बात क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ तो तमीज से ही बात करो। जानते हो इसको तो बताओ हमें, ना तो हम जा रहे हैं। साले ऐसा रैपट मारूंगा, सारी तमीज भूल जाएगा, निकल ऐसे। ले मारिए साले तेरा थोले। सब लोग कान खोल कर मेरी बात सुन लो, कुछ लोग इस बच्चे को ढूंढते फिर रहे हैं। अगर आसपास कोई दिखाई दे सीधा गोली मार दो, देखता हूँ मेरे से इस बच्चे को कौन बचाएगा। तू और तू मेरे साथ आओ। यार दिलसाद भाई, हम विधायक जी के लड़के को कैसे ढूंढें? यार काली यही चीज मैं सोच रही हूँ। दिलसाद भाई एक मिनट, क्यों ना हम स्कूल चले जहाँ विधायक जी का बेटा पढ़ता था। बुरा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है काली, स्कूल चलो। हाँ बताओ किस काम से आए यहाँ पर? आफ्ताब विधायक जी का बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है? विधायक जी का बेटा? हाँ हमारे स्कूल में पढ़ता है। क्या हुआ उसको? 3-4 दिन पहले उसका किडनैप हो गया है। ओह माय गॉड, विधायक जी के बेटे का किडनैप हो गया? अगर आपको किसी पर शक है तो हमें बताओ। हाँ हाँ, कुछ लोग आते हैं स्कूल के गेट पे और वो विधायक जी के बेटे को चॉकलेट भी देते हैं। सर आपको उनमें से किसी का चेहरा याद है? हाँ याद है। तो सर ठीक है, फिर हम स्केच आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, आप उसको बता देना। ओके बुला लो आप। काली फोन लगाओ। कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज कराएं। अरे दिलसाद भाई यार, अपना फोन दियो जरा, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अबे यार काली, यार कल यार मेरा भी रिचार्ज खत्म हो गया। भूरा भाई तुम दियो यार अपना फोन, जरा कॉल करनी है उन्हें। अबे यार मेरी सेटिंग का फोन खराब हो गया तो वो मेरा ही फोन ले गई। ओहो पूरा लूंडे आवाज हो रहा है। अरे सर अगर आप एतराज ना करो तो एक कॉल करने के लिए आपका मोबाइल मिल सकता है। अरे सालो इतने बड़े जासूसों का फलान मत लो, फोन में तुम्हारे रिचार्ज है ना, ले पकड़ कर ले फोन। छुन्नू आर्टिस्ट बोल रहे हैं? हाँ मैंने आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर दी है, यहाँ आ जाओ। अरे किसने बुलाया चुन्नू आर्टिस्ट को? इधर आ जा। हाँ भाई कितने चेहरे बनवाने, एक बात कान खोल के सुन लियो, पर चेहरा 700 रुपए का पड़ेगा। अबे यार चुन्नू भाई, अबे यार चुन्नू भाई कैसी बातें कर रहा हो यार, सही लगा लो, हम तो तुमसे बनवाने हैं सारे चेहरे। अरे दिलसाद भाई तुम्हें क्या पता कितनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल पे कितने पैसे बढ़ गए, सिलेंडर पे कितने पैसे बढ़ गए, सब्जियों पे कितने पैसे बढ़ गए बताइयो। अबे चुन्नू भाई तुम पागल हो गए क्या, सिलेंडर की महंगाई और सब्जी की महंगाई से इसका क्या मैटर? देखो भाई देखो मेरे फिक्स रेट, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। तो चुन्नू भाई हमारी बात भी सुन लो, हम देंगे तुम्हें ₹175, अगर बनाना है तो बनाओ वरना घर को जाओ अपने। ना भाई ये ना मेरा औसत ना आगा, किसी और सा बनवा लियो। तेरी खाला का आर्टिस्ट मारूं? साले टैलेंट की तो कोई कदर ही ना। 700 रुपए लेंगे साले। सर मुझे बताओ उसका चेहरा, मैं बनाऊंगा, ना उससे बढ़िया बनाया तो नाम बदल दियो मेरा। सर सबसे पहले उसकी आंखों के बारे में बताओ, आंखें कैसी थी उसकी? उसकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी थी, जैसे कि चाइनीज टाइप। अच्छा सर कान कैसे थे उसके? उसके कान थोड़े बड़े बड़े थे। और
और सर नाक कैसी थी उसकी? उसकी नाक भी बड़ी थी। सर देखना यही था क्या? अबे क्या बना दिया है? लो भाई सुअर बनाया सुअर। अबे तुम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन रहे हैं भाई। लाओ हमें दो पेंसिल, हम बनाएंगे। मास्टर साहब तुम उसके होंठ बताओ, होंठ कैसे थे? होंठ उसके नॉर्मल ही थे। अब ये बताओ उसके बाल कैसे थे? बाल उसके थोड़े लंबे लंबे ही थे। गर्दन बताओ उसकी, गर्दन कैसी थी? गर्दन उसकी लंबी थी। तो देखियो मास्टर साहब यही था क्या? लो भी लो, देख लो क्या बनाया है इसने। लो जी गधा बनाया। अबे सालो तुम दोनों चूतिया हो क्या हो? तुम्हें सालो भगवाऊंगा कंपनी में से। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। सर ये बताओ उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई मेरे हिसाब से 6 फुट थी। सर पटरी मिलेगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरा डिब्बा मिलेगा। सर उसने कपड़े कैसे कलर के पहन रखे थे? कपड़े उसने काले रंग का कोट पहन रखा था, लंबा लंबा। अच्छा देखियो सर यही था क्या? तू तो इन दोनों से बड़ा चूते निकला, साड़ी की किनारी बनाई है, देख लो। सर तुम्हारे यहाँ कैमरे लग रहा है? हाँ लग रहे हैं। तो तुमने पहले क्यों ना बताया हमें? तुमने पहले पूछी? अबे यार सर तुम इतने अटरम सटरम हो, फांस रहा हो हमें। तुम हमें पहले रिकॉर्डिंग में दिखा सकते हैं कैमरों की? रुको एक मिनट दिखाता हूँ अभी। लो देखो काली भूरा, ये तो वही है टोपे वाला जिससे हमारी लड़ाई हुई थी रेस्टोरेंट पे। चलो दिलसाद भाई एक मिनट यार, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे ना उस रेस्टोरेंट पे तो हमें पहचान लेंगे वो लोग। हाँ काली तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आइडिया, तुम दोनों कान खोल कर मेरी बात सुनो। उन लड़कों को हम पर शक हो गया है, वो दोबारा यहाँ ढूंढने आए। इससे पहले उस लड़के को वहां से खजूरी खंडर शिफ्ट कर दो। ठीक है भाई। अच्छा चलो भाई, चलो दोनों चलो जल्दी। पूरा काली ये साले उस बच्चे को खजूरी खंडर शिफ्ट कर रहे हैं। दिलसाद भाई इससे पहले ये बच्चों को चोट पहुंचाए, हम इनसे पहले पहुंचते हैं। ठीक है काली आओ। काली जी, पूरा सामान लेकर आए हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? गुड, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं इशारा ना करूं तुम दोनों में से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। काली तू इधर से जा, पूरा तू इधर से जा। क्या हुआ विधायक जी, अपने बेटे से प्यार नहीं रहा क्या, जो अभी तक लेने नहीं आए?
काली तू बच्चे को खोल और मैं विधायक जी को फोन करता हूँ। लो विधायक जी अपना बेटा। बेटे ठीक है, तू ये कुछ हुआ तो नहीं? विधायक जी आप अपने बेटे को लेकर घर जाओ, इस कुत्ते के बच्चे को हम देख लेंगे। क्यों बे पिग, क्यों किडनैप किया तूने विधायक जी के बेटे को? साहब विधायक जी मेरे ममेरे भाई हैं, जब ये इलेक्शन पे खड़े हुए मैंने इनकी सपोर्ट में दिन को दिन रात को रात नहीं समझी। जहां पर वोट खुलते हैं ना इनके खिलाफ पार्टी से इनकी लड़ाई हो गई थी, मैंने वहां पे इन्हें नहीं पिटन दिया, मैं खुद पिटा मैं खुद, और मैं वहां से इन्हें जिता के लेकर आया। और साहब अगले दिन ही इन्होंने अपनी जीत की खुशी में कोठी पर पार्टी रखी और उस पार्टी में मेरी दावत नहीं करी मेरी, इसीलिए मैंने इनका बेटा किडनैप किया। ए? ये सारा अटरम सटरम तूने दावत की वजह से करा? ठीक है बंद कर दे ओए।